मैं माननीय मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं जो निरंतर हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। हमारे प्रयासों को निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए मैं माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज इस समारोह के मुख्य नायक और नायिका अर्थात दिव्यांग खिलाड़ी पुरुष एवं महिलाओं का मैं विशेष रूप से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम के साथ देश का नाम रोशन किया, 19 पदक हासिल किए जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत एवं 6 कांस्य पदक। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का प्रदर्शन आप लोगों ने किया है ये बहुत सारे दिव्यांग युवक एवं युवतियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा और वह खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इसी के साथ मैं सभी अभिभावकों, उनके स्पॉर्ट्स तथा परिवार के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इन दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। मैं मुख्य संरक्षक भारतीय पैरालंपिक समिति, भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्षा और उनके महासचिव को दिव्यांग खेलों को बढ़ावा देने में और उनके समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए और इस कार्यक्रम के लिए हमें मार्गदर्शन देने के लिए मैं सचिव महोदया श्रीमती अंजलि भावरा जी का भी हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। मैं मीडिया प्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भारतीय पैरालंपियों के प्रदर्शन का व्यापक कवरेज करके एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और सभी को बहुत प्रेरित किया। इस समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए मैं विभाग के अपने सभी सहयोगियों, हमारा दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संस्थान, उसकी निदेशिका एवं उसके कर्मचारियों, ISLRTC के साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का भी विशेष रूप से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं ITDC अशोका की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, वो पूरे रात भर इस कार्य को अच्छे से संपन्न कराने के लिए लगे रहे और आज जिस प्रकार का उन्होंने अरेंजमेंट किया है, जिस प्रकार ये सारा आयोजन हुआ है, उसका बहुत श्रेय उनको भी जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।